देश का माहौल खराब करने के उद्देश्य से अलकायदा द्वारा बार बार राज्यों को और देश को धमकी दी जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरा राज्य अलर्ट हो चुका है। इसी बात को लेकर आज राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, इनका नागपुर के हवाई अड्डे पर आगमन हुआ और उन्होंने पुलिस से बात करने के लिए एक मीटिंग भी रखी है। अलकायदा ने मुंबई और दिल्ली के साथ साथ और भी शहरों में सुसाइड अटैक्स धमाका करने की चेतावनी दी है, जिससे राज्य की पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रखी गई है। पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश देने के लिए आज राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, इनका नागपुर के एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। इस मौके पर नागपुर एयरपोर्ट पर कड़क सुरक्षा तैनात दिखी। नागपुर के सेंट्रल जेल में आरोपी की मौत हो रही है, इसके लिए गृह मंत्री का अलग कदम क्या होगा, इस पर भी गृह मंत्री ने जानकारी दी है। मला वाटतं मागच्याच वेळेला मी आलो होतो त्यावेळेला आम्ही याचा आढावा घेतलेला होता आणि नागपूरला जो जेल आहे त्या जेलमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून किंवा नवीन जेल बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न करतो आहे। आता जेलमध्ये मृत्यू का होतो याबाबतचा आढावा का माहिती मी आज नक्की घेईन। असं आहे की पोलिसांच्या जीवन संवर्धनासाठी अनेक प्रकारच्या योजना पोलीस विभागाकडून आणि पोलीस वेलफेअर विभागाकडून राबवल्या जातात आणि त्यांचा ताण कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा प्रयत्न केला जातो आणि संबंधित जे युनिट प्रमुख आहेत त्यांना सुद्धा त्यांच्या एक तरफ कोरोना का आतंक फिर से अपना सिर उठा रहा है तो वही अलकायदा जैसे संगठनों द्वारा दी जा रही सुसाइड अटैक्स धमाका चेतावनी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण सिर दर्द बन रहा है, जिससे निपटने के लिए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन अगली रणनीति तैयार कर रही है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का नागपुर दौरा यह भी पुलिस के लिए कदम फायदेमंद साबित हो रहा है। नागपुर के एयरपोर्ट से राजकुमार मौर्य के साथ संजय मिरे, BCN न्यूज नागपुर।